हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ आदित्य को बचाने के चक्कर में इमली होने वाली है बुरी तरह घायल। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि इमली जेल से फरार हो जाती है और आर्यन को पता होता है कि वो कहीं और नहीं पगडंडिया ही जा रही होगी। तो दूसरी तरफ अनु इस चीज का फायदा उठाकर उसके पीछे गुंडे भेज देती है, जो कि इमली को मारने के लिए भेजती है। अब देखने को मिलने वाला है कि आर्यन लास्ट मोमेंट पर जाकर इमली की जान बचाते हुए नजर आएगा गुंडों से और वो वहां से जंगल में फरार हो जाएगा। देखने को मिलने वाला है कि इमली और आर्यन दोनों ही साथ में एक बस में सवार होने वाले हैं पुलिस और गुंडों से बचते हुए, और इसके बाद पहुंचेंगे एक ऐसी जगह जहां पर वो जंगल के रास्ते हुए गुजरेंगे पगडंडिया की तरफ। जी हां दोस्तों, देखने को मिलेगा कि अब जंगल के रास्ते से ही इमली और आर्यन दोनों आतंक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी ही लोकेशन पर है जहां पर अब आद्य और सभी वो आतंकवादी एक जगह ऐसी फंसे हुए हैं जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन इमली इसी रास्ते को ट्रैक करवाने की कोशिश करती है आर्यन के जरिए, और जब आर्यन को रास्ता पता चलता है तो आर्यन और इमली जंगल के रास्ते ही आतंकवादियों तक पहुंचते हैं। लेकिन देखने को मिलने वाला है कि एक के बाद एक धमाके पगडंडिया में हो रहे हैं, तो वहीं पर इमली और आर्यन दोनों ही आदित्य और पूरी टीम को बचाने के चक्कर में होते हैं। देखने को मिलता है कि यहाँ पर आदित्य और इमली का आमना सामना जरूर होता है, और आदित्य को भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि अब इमली आ गई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्यन को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, और देखने को मिलता है कि यहाँ पर इमली कहेगी यहाँ पर सब नौटंकी बंद करिए, अभी आपकी जान खतरे में और कैसे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन आदित्य की जिद वही होती है और कहती है अब क्यों बचाने आई हो हमें, और इन दोनों की फाइट भी देखने को मिलने वाली है। इमली कई बार यहाँ पर कोशिश करते नजर आएगी, लेकिन आदित्य की ही बहुत जिद की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और आदित्य बुरी तरह से घायल हो जाएगा। तो वही इमली भी उसे बचाने के चक्कर में घायल होकर बेहोश हो जाती है, लेकिन आदित्य का कहीं अता पता नहीं होता। इमली को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पुलिस भी वहाँ पहुंचने वाली है, और इमली और आर्यन आदित्य तीनों मिलकर पहले तो आतंकवादियों के साथ लड़ाई करते झगड़े करते नजर आएंगे, और यहाँ पर पुलिस भी यानी कि सिस्टम की पुलिस भी पहुंचेगी। और देखने को मिलेगा कि जब तक पुलिस आएगी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। तो दूसरी तरफ इमली बुरी तरह से घायल और यहाँ पर सीधा उसे हॉस्पिटल में ही होश आने वाला है, तो दूसरी तरफ आदित्य का कुछ अता पता नहीं लगेगा। अब देखना है कि आदित्य की एंट्री किस धमाकेदार होती है।